व्हाट्सअप गाइस, यार क्या हाल चाल है तुम सभी लोगों के। होप सब काफी बढ़िया कर रहे होगे यार। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ RDR2। वैसे आज अपने साथ काफी बड़ा स्कैम होने वाला है यार। वैसे आज का हमारा प्लान काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि सामने जो तुम्हें बंदा दिख रहा है आज, इसके साथ होने वाला है काफी ज्यादा भयंकर स्कैम। फटाफट से हम लोगों ने इस बंदे को रोका, क्योंकि इससे हम लोगों को काफी ज्यादा काम का सामान मिलने वाला है यार। वैसे अभी तुम्हें ये बंदा काफी ज्यादा इनोसेंट लग रहा होगा, बट अभी देखते जाओ ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक आदमी है भाई। वैसे मैं फटाफट से पीछे आ चुका हूँ, अब देखते हैं भाई इस बंदे पे क्या क्या है। हिम्मत देख रहे हो भाई का, दिन दहाड़े देसी कट्टा लेके घुमा जा रहा है यार। वैसे भी अपने बंदों ने भाई को पूरा डरा रखा है यार, बेचारे को कुछ करने का लायक ही नहीं छोड़ा भाई। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफी बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। शायद से कुछ बंदों को हमारा लोकेशन पता लग चुका है, जो कि एक काफी बड़ा दिक्कत हो सकता है हमारे लिए। अपने साथ एक ऐसा सीन हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड द मेन रीजन इज, मैं भी फाइट के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ यार। एंड एज फार एज आई रिमेम्बर, सामने वालों पे काफी तगड़े वेपन्स थे यार। बंदे तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। हम लोगों को एक ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ बंदे हमारा पीछा ना कर पाए, क्योंकि अगर इन लोगों ने अपने को इतना खतरनाक वेपन्स के साथ पकड़ा तो हम लोगों का खेल आज ही तमाम है। ये भाई साहब साइड से अपने ग्रुप में घुसने का ट्राई कर रहे थे, तो भाई के हमने बजाय रख के एक हेडशॉट और फटाफट से अपना घोड़ा लेके निकल गए यार। अब हम लोगों का प्लान ये था कि कुछ देर इस घर में बैठते हैं जब तक वो बंदे हमारा पीछा ना छोड़ दे भाई। वैसे ये घर मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट हाउस है यार। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज, रोबिंग वगैरह करने के बाद वी हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस हाउस। काफी देर बाद ऐसा फील आ रहा है कि हम लोग थोड़े बहुत सेफ है, तो फटाफट से मैंने अपने घोड़े वगैरह भगा दिए, क्योंकि अगर उन बंदों को घोड़े दिख जाते तो फिर अपना काम तो तमाम था यार। वैसे अपने बंदे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते यार, इसलिए सब शॉटगन वगैरह तान के बैठे हुए बिल्कुल। तो यार फाइनली इस घर में बैठे बैठे बिल्कुल रात हो चुका है यार। शायद यहाँ पे मुझे कुछ बंदों का साउंड आ रहा है, जो कि अपने लिए काफी खतरनाक बातचीत हो सकता है। और इन बंदों को देखो भाई, सब पूरा मजे में सोए पड़े हुए हैं यार, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। पर अभी अपने सारे बंदे धीरे धीरे जाग चुके हैं, एंड सामने मुझे यार कुछ बंदे मशाल लेके घूमते हुए दिख रहे हैं। अब इनका तो हम लोग इजीली गेम बजा देंगे, बट उसके लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत होल्ड करना पड़ेगा यार। अपने बंदे थोड़े बहुत डर गए, बट अभी हम लोग उनको समझा रहे कि टेंशन नहीं लेने का यार। अभी हम लोगों ने जैसे ही थोड़ा बहुत होल्ड करा, यहाँ पर एक बंदे को काफी ज्यादा चुल मचा, तो वो अपना मशाल वगैरह लेके घर के अंदर घुस रहा है। शायद से भाई को पता नहीं है कि घर के अंदर कौन बैठा हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों ने भाई का काफी तगड़ा गेम बजा दिया यार। बट अभी एक काफी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, अपने पीछे काफी सारे बंदे पड़ गए, तो इनका भी काम हम लोग को फटाफट से निपटाना पड़ेगा यार। और इस भाई को लगा भयंकर वाला शॉट। एक एक करके मुन्ना तुम्हारे पूरे ग्रुप का यही हाल करेंगे, बंदे को बुलाओ तो अपना यार। यहाँ पे देखो सामने एक भाई छुप के बैठा हुआ है, इसको लग रहा है हम लोग इसको देख नहीं पाएंगे। इनका तो काम तमाम हो चुका है। एंड सामने मुझे और एक बंदा दिख रहा है, जिसका हम लोगों ने दोबारा से गेम बजा दिया यार, बिल्कुल काफी ज्यादा तगड़ा वाला। यहाँ पर हम लोग को और एक बंदा दिख रहा है जिसका गेम बजाना अभी बाकी यार, है। फाइट करते करते काफी देर हो चुका है भाई, सुबह होने को आया है, बट ये बंदे खत्म ही नहीं हो रहे यार। काफी देर से इन बंदों को हम लोग मारे जा रहे हैं, बट कोई मरने का नाम ही नहीं लेता यार। काफी तगड़े बंदे है यार, बिल्कुल पूरा प्रिपेयर होके आए, बट उसका फायदा क्या हुआ जब मरना तो हमसे ही है यार। बट यहाँ पे काफी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है भाई, बंदों ने अपने घर में आग लगा दिया है, जहाँ से हम लोग को फटाफट निकलना पड़ेगा, वरना काफी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यार। एक तो वैसे भी अपने वेपन्स वगैरह का काफी ज्यादा शॉर्टेज है, एंड ऊपर से ये बवाल मचा दिया इन बंदों ने। फटाफट से मैं अपने बंदों को बाहर निकाल रहा हूँ, ताकि हम लोग आराम से यहाँ से सेफली निकल पाए। बट अभी इनके सारे मेन बंदे बचे हुए हैं, तो हम लोग को उनका काम फटाफट से तमाम करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी सेफ है, क्योंकि हम लोग उस घर से निकल चुके हैं जहाँ आग लगा था। सामने मुझे काफी सारे बंदे दिख रहे हैं जिनका गेम बजाना पड़ेगा यार। तो अगर पिछली बार की तरह हम लोग थोड़ा बहुत भी होल्ड करेंगे तो हम लोग को मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बातचीत है यार। यहाँ पे देखो सामने काफी ज्यादा चतुर बंदा है, जो कि अपने दिमाग का 100% लगा के बैठा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने भाई का गेम बजा दिया है, बट यहाँ पे सामने अभी भी काफी सारे बंदे बचे हुए हैं जिनका काम अभी भी हम लोगों को तमाम करना है। तो फटाफट से निकलते आगे, ताकि उन बंदों को ढूंढ ढूंढ के मार पाए। इन्होंने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती करा है हमसे पंगा लेके। अभी तो इनके पूरे ग्रुप को हम लोग ढूंढ ढूंढ के मारने वाले हैं भाई, एक एक को निकाल के मारेंगे। देख रहे हो यार कैसे घोड़े से आके हम लोग को डरा रहे, बट इनका पूरा गेम हम लोग बजा के छोड़ेंगे। इन भाई साहब को देखो, इनको लग रहा है किसी ने मुझे देखा ही नहीं है, बट इनको पड़ चुका है काफी ज्यादा बुरे वाला शॉट। तो यार फाइनली काफी इंटेंस फाइट के बाद इन बंदों का पूरा ग्रुप हम लोगों ने खत्म कर दिया, जो कि एक काफी ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है यार। अब इसी बात पे बनता है ना लाइक और सब्सक्राइब, बट आगे तो अपने साथ काफी खतरनाक धमाल होने वाले है, तो यार स्टे ट्यून्ड। भाई तो वे आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली खतरनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।